हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है शाहरुख और आप देख रहे हैं स्टार ग्रुप चैनल। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं लाइक मारो यार, कमेंट मारो, शेयर मारो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते यार चैनल को, ना वीडियो लाइक मारते हैं ना शेयर करते हैं यार। मतलब एक बंदा है तुम्हारे साथ जुड़ा है और तुम हो कि यार ना लाइक ना कमेंट ना शेयर, तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। मैं प्लीज़ आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, आप हमारी वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना के लाते हैं, कभी देखते हैं आप कहाँ से वीडियो बना के लाओ। आज ये सारी वीडियो जो है मैंने दिल्ली से बनाई है और आधी वीडियो भी घर पर आकर शूट करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं पाँच ऐसी बकवास ऐप के बारे में जो कि आपके मोबाइल में पड़ी तो होती है लेकिन वो किसी काम की नहीं होती और आपको एक बेवकूफ़ बना दिया जाता है एप्लीकेशन के नाम पे कि एप्लीकेशन ये वाली काम करेगी, ये काम करेगी, वो काम करेगी, फलाना नहीं करना कुछ भी भग देते हैं यार। यानी कि पब्लिक को सिर्फ पैसा कमाना है, कुछ भी ऐसी एप्लीकेशन डाल देते हैं कि जो कि आपकी कोई किसी काम की नहीं होती और नहीं वो आपके काम आती है। तो ऐसी पाँच ऐप देखने के लिए आप इस वीडियो को ठीक इसी तरीके से देखते रहिए, पहले लाइक मारिए, कमेंट मारिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पांच ऐसी बकवास ऐप के बारे में जो कि कोई काम नहीं करती और आपकी एप्लीकेशन जो होती है मोबाइल में आपकी और एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल नहीं होने देती, क्योंकि उसकी वजह से आपका स्टोरेज जो है फुल हो जाता है और आप सोचते हैं बड़े ही काम की ऐप है। तो आज हम ऐसी ही कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनेट बूस्टर के बारे में। दोस्तों, आपने ये एप्लीकेशन देखी होगी और बहुत सारी ऐसी ही एप्लीकेशन आपने यूज़ की होगी जिसको आपको बताया गया होगा अगर आपकी स्पीड जो है 4G हो जाएगी, आपके इंटरनेट स्पीड 5G करे, 4G करे, तो ये बिल्कुल एकदम से बकवास तरीका है। जब आपके इंटरनेट की स्पीड 3G की तो किस तरीके से 4G स्पीड या फिर 5G स्पीड दे देगा। तो दोस्तों, इस तरह की एप्लीकेशन को आपने जो है एकदम से डिलीट कर देना है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, मैं इस एप्लीकेशन को फिलहाल अनइंस्टॉल करने वाला हूँ। तो आप भी अपने मोबाइल में कोई भी इस तरीके की एप्लीकेशन को ना रखें। आप देख सकते हैं मैंने भी इस एप्लीकेशन को जो है डिलीट कर दिया। दोस्तों, दूसरे बात पे हम आते हैं एंटीवायरस के बारे में। दोस्तों, आपने सुना होगा कि ये आपने मोबाइल में जो है इतना कचरा था, इतना से पकड़ लिया, इतना से बाहर निकल दिया, तो बिल्कुल भी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती। आपके मोबाइल को OS यानी कि जो आपका मोबाइल है उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती, वो खुद ही सब कचरा जो है साफ़ करता रहता है जब आपका एंड्रॉयड मोबाइल होता है। तो आपको इसमें कोई भी एंटीवायरस एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो आप इस एप्लीकेशन को भी डिलीट मार सकती हैं। मैंने दोनों ही एप्लीकेशन को डिलीट मारे। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, हो सकता है आपको वो एप्लीकेशन ना दिखे, ऐसी ही इस तरीके ही काम करने वाले अगर आप भी अपने मोबाइल में एप्लीकेशन रखते हैं तो आप उन सभी एप्लीकेशन को जो है डिलीट कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं हम तीसरी एप्लीकेशन के बारे में। तो आपने सुना होगा बैटरी डॉक्टर के बारे में। दोस्तों, ये एप्लीकेशन क्या काम करती है, आपकी बैटरी को जो है लो मोड में लगा देती है, जैसे कि आपको फ्यूचर मिल जाता है, आप इधर देखेंगे ब्राइटनेस को कम बत्ती करने का, तो सेम इसके अंदर भी आपको मिलता है और बदले में जो है आपके ये बैकग्राउंड में रन करती है और आपकी बैटरी को जो है और ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। लेकिन आपको लगता है कि ये एप्लीकेशन जो है हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये सब फीचर अपने मोबाइल के अंदर ऑटोमेटिकली ही जो है मिल जाएंगे। तो हम इस एप्लीकेशन को भी जो है डिलीट कर देते हैं। अब हमने तीनों ही एप्लीकेशन डिलीट कर दी। अब करते हैं उन पांचवी ऐप की, चौथी और पांचवी ऐप के बारे में जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाईफाई हैक के बारे में। दोस्तों, आपने ऐसा बहुत सुना होगा कि वाईफाई हैक, तो वाईफाई हैक नहीं होता बिल्कुल भी किसी का। अगर आप चाहते हैं किसी का वाईफाई हैक करना तो बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। तो ये भी आपकी किसी काम की ऐप नहीं है, आप इसको भी अनइंस्टॉल कर दीजिए। अब बात करते हैं पांचवी ऐप की। बिल्कुल ही चारों ऐप एकदम से फेक थी और पांचवी ऐप जो कि बड़ी ही फेमस और तेज़ी से इंटरनेट की दुनिया में वायरल हुई, वो है मोदी की नोट। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो 1000 और 500 के नोट आए हैं, अगर आप इस मोबाइल को ले जाएंगे इनके ऊपर तो ये जो है मोदी का भाषण शुरू हो जाएगा और इसके बाद जो है आप पता लगा सकते हैं कि ये नोट असली है नकली। दरअसल इस जिस बंदे ने ये एप्लीकेशन बनाया उसने साफ साफ बताया है कि ये नोट जो है सिर्फ 500 और 2000 के नोट पर काम करती है और ये किसी भी नोट से असली या नकली का कोई ताल्लुक नहीं रखती है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी ये भी किसी काम की एप्लीकेशन नहीं है, तो आप इसको भी डिलीट कर दीजिए। दोस्तों, ये वो पाँच एप्लीकेशन थी जो कि बहुत तेज़ी से वायरल होती है इन्हीं एप्लीकेशन की वजह से। तो दोस्तों, अगर आपकी मोबाइल में ये एप्लीकेशन नहीं है तो आप जरूर से इन एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए। इसके बाद अपने मोबाइल को आप एकदम से साफ और सेफ रख सकते हैं। इस तरीके की एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में चलती रहती है और आपका जो है मोबाइल की बैटरी को भी लो करती है और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसकी वजह से आपकी रैम फुल हो जाती है और आपका मोबाइल जो है धीरे धीरे हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बड़ा ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बैटरी कंट्री देखते रहिए, सीखते रहिए स्टार गुरु जी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बड़ा ही पसंद आया होगा। तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले यार। आपको 3 बार कह चुका हूँ।
जब आप लाइक करेंगे तो हमारा भी दिल करता है यूट्यूब पर काम करने के लिए। तो प्लीज़ आप लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड को बताइए कि स्टार गुरु यूट्यूब चैनल के बारे में। अगर दोस्तों आप दिल्ली के हैं या दिल्ली के आसपास हैं या फिर मुंबई से हैं तो हम जल्दी एक मीटअप भी करने वाले हैं। देखते हैं मीटअप कब तक हम कर लेते हैं। बाय बाय।